ये रास्ता है बाबा साहब के पार्क का। अब देखिएगा क्या हालत है। अभी हम पहुंचने वाले हैं बाबा साहब के पार्क के में, और ये पार्क का मुझे लगता है कि बाहर का वीडियो, बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पूरे गांव का मेला इकट्ठा होता है। और आगे बनी रही है मेरे साथ वीडियो में। अभी हम पहुँच रहे हैं बाबा साहब के पार्क में, और आप देखिएगा कि किस तरह की रास्ता यहाँ के लोगों ने ये गाँव है ग्राम डोंगरपुर, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। और रास्ता आप देखिएगा कि किस तरह की रास्ता यहाँ है, और बाबा साहब की प्रतिमा की क्या हालत इन लोगों ने मुझे लगता है कि कर रखी होगी। और कैसी रास्ते से हम लोग पहुँचे हैं, आप वो रास्ता मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा। और आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि इन लोगों के पूरे देश में जब वीडियो वायरल होगा तो इन गाँव के लोगों को थोड़ी सी, मुझे लगता है कि थोड़ी सी शर्म आ जाए और बाबा साहब की प्रतिमा ये लोग ठीक कर सके। ये लगभग कितने समय से ये मतलब प्रतिमा पड़ी हुई है? 5-6 साल है, 6 साल से। 5-6 साल से साथियों, 5-6 साल से जिस प्रतिमा की ओर हम जा रहे हैं, वो प्रतिमा बाबा साहब की 5-6 साल से इसी अवस्था में है। और देखिए कि 5-6 साल पहले जब ये प्रतिमा लगी थी तो ये जगह साफ सुथरी थी, और आज यहाँ क्या हाल हो गया है कि पूरे गांव के लोग यहाँ लेटरिन करने आते हैं। ये हालत इन लोगों ने इस पार्क की बनाई है। देखिए आपके किस कैसी जगह से मैं कैसी जगह से यहाँ मैं पार्क की ओर पहुँच रहा हूँ। आप ये देखिए कितनी बुरी हालत इन लोगों ने बना रखी है। जब बाबा साहब के बच्चे ही बाबा साहब का सम्मान नहीं करेंगे तो और दूसरी जाति के लोग, दूसरे धर्म के लोग क्यों सम्मान देंगे बाबा साहब को। जय भीम साथी, हम पहुँच रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा की ओर। मैं गायक अतल सिंह जौहरी, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक पूरे भारत, क्या मतलब इस दुनिया में जहां जहां तक बाबा साहब को जाना पहचाना जाता है, कहीं किसी भी जगह पर इतना बड़ा अपमान नहीं होगा जितना बड़ा अपमान बाबा साहब की प्रतिमा के साथ इस गांव में हो रहा है। जी हां दोस्तों, आज मैं हूं साथियों ग्राम डोंगरपुर, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। थोड़ा सा अंकित कैमरा घुमा दो कि मतलब यहाँ ये हालात है कि बाबा साहब की प्रतिमा के पास पहुँचने के लिए रास्ता तक नहीं है। ये बाबा साहब की प्रतिमा उस जगह पर लगी हुई है जिस जगह पर पूरे गांव के लोग लेटरिंग करने आते हैं। अब एक बात समझिए कि बाबा साहब का अपमान जब खुद बाबा साहब के बच्चे करेंगे तो बाबा साहब का सम्मान फिर दूसरी जातियों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग बाबा साहब का सम्मान करें। इस गांव के लोगों ने प्रतिमा लगाई हुई है, मैं फिर बताना चाहूंगा, ग्राम डोंगरपुर, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। साथियों इस जगह पर बाबा साहब की प्रतिमा का क्या हाल कर रखा है बाबा साहब के खुद बच्चों ने। देखिए आप कि पूरी प्रतिमा का कलर निकल गया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिमा का कलर निकलना न निकलना अलग बात है, बाबा साहब कैसी स्थिति में उनकी प्रतिमा है, चारों तरफ से पेड़ और जंगल टाइप हो गया है और रास्ता निकलने के लिए रास्ता नहीं है। इस जगह पर लोग गांव के बाहर लोग लेटरिन करने आते हैं। अभी मैं जाते जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो आपको वो रास्ता भी दिखाऊंगा कि कैसे रास्तों से मैं निकल के आया हूँ। इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है। बाबा साहब का अपमान इस तरह हो रहा है, इस गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए हैं अपने घरों में। लेकिन बाबा साहब का अपमान जब आप ये समझिए कि जब अपने ही लोग, बाबा साहब के बच्चे ही खुद बाबा साहब का अपमान करेंगे तो उन बाबा साहब का सम्मान फिर कौन करेगा। नजदीक से दिखाइए प्रतिमा की हालत, है ना, और आप ये देखिए कि किस स्थिति में बाबा साहब है। नीचे से दिखाइए कि किस तरह चारों तरफ माहौल है, किस तरह ऊपर है, है ना। ये हालात है बाबा साहब के, मोबाइल ऐसे है। ये हालात है पक्षी बाबा साहब के, ठीक देखो, ये पक्षी बाबा साहब के सर पे गंदगी कर रहे हैं, है ना। पूरी प्रतिमा का कलर निकल गया है। ये बाबा साहब के प्रतिमा की हालत इन लोगों ने कर रखी है ना। इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है साथियों, इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है। जब मुझे पता चला, मुझे थोड़ा सा ज्ञान था पहले से, मुझे पता था, ज्ञात था कि यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा के साथ मतलब कुछ ठीक नहीं हो रहा, लेकिन आज मेरा आना हुआ तो मैंने पूछा मैं यहाँ पार्क कहाँ है बाबा साहब का। तो जब मुझे बताया अंकित ने कि मतलब कि यहाँ बगल में ही है, तो मैंने कहा मैं चल के देखा जाए। तो साथियों
मुझे तो मतलब ऐसे मतलब देखकर मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि जब बाबा साहब के बच्चे ही बाबा साहब का इस तरह अपमान कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब का सम्मान कहीं होगा। जब बाबा साहब के बच्चे, जिनके लिए बाबा साहब ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया, वो बच्चे बाबा साहब की ये हालत बना के रखी बाबा साहब की प्रतिमा के साथ में। साथियों, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे कि इन गांव के लोगों को पता चले कि पूरे देश में इन लोगों की कितनी थूथू होगी। इन लोगों को ये एहसास आप लोगों को कराना है कि इन लोगों को मैं इन गांव के कुछ लोगों के नंबर भी मैं आपको डिस्प्ले पे छोड़ूंगा, और इनको फोन लगा लगा के कहिए इनसे कि ये बाबा साहब की ये हालत तुम लोगों ने किस तरह की है। ये बहुत शर्म की बात है साथियों, और वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं चलते समय आपको वो रास्ते भी दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे कैसे रास्तों से वो निकल के आ रहा हूं मैं, और गांव के लोग यहां इसी जगह पर, आसपास इसी जगह पर, इसी जंगल में लैटरिन करने आते हैं पूरे डूंगरपुर के लोग, और उसी जगह पर बाबा साहब की प्रतिमा इस हालत में पड़ी हुई है। जय भीम साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो और नए नए गानों के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा।